दिल्ली में सफाई कर्मी की मौत को लेकर ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना। जी हां, आपको पता चले कि दिल्ली के लोकनायक पुरम कॉलोनी में एक सीवर की सफाई के लिए गए सफाई कर्मचारी और एक सुरक्षा कर्मी की उस सीवर में निकली जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। इस पर ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी है। डीडीए कॉलोनी में सीवर में घुसकर सफाई के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये डीडीए की लापरवाही थी जो सीधे एलजी विनय कुमार सक्सेना के अंदर आता है। दिल्ली गवर्नमेंट के हर काम में दखल देने वाले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इस पर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? दिल्ली के मुंडका इलाके में बक्करवाला नाम की जगह है जिसके अंदर एक डीडीए की कॉलोनी है जिसका नाम है लोकनायकपुरम। इस डीडीए की लोकनायकपुरम नाम की कॉलोनी के अंदर सीवर के अंदर घुसकर सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया, उसको कोई इक्विपमेंट नहीं दिया गया, उसके साथ कोई प्रोफेशनल स्टाफ नहीं था, उसके पास कोई तैयारी नहीं थी, वो अकेला आदमी था, उसको सीवर में उतारा गया। सीवर में जहरीली गैस के कारण वो बेहोश हो गया। उसको बचाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड सीवर के अंदर उतरा, वो भी बेहोश हो गया और वो दोनों वहां पे मर गए। कल ये तमाम अखबारों के अंदर खबर छपी, मगर ये कहीं पे नहीं लिखा था कि इसके लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार